सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विमल कुमार। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उसके बगल की घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंकों से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ पर मार्च के महीने में जो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PNB पंजाब नेशनल बैंक और UCO जैसे कई बैंक जो है बंद रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके लिए जो है मार्च में ये तीनों बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए बिल्कुल अंतिम तक, और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्च का महीना जो है फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ होता है। इस महीने में जहां सभी कंपनियों को अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना पड़ता है, वहीं बैंकों को भी जो है अपनी बुक्स को सही करना पड़ता है। इसके अलावा इस आखिरी फिस्कल मंथ में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्यौहार भी पड़ते हैं। अगर बात बैंकों के हॉलीडे के हिसाब से करें तो 11 दिन आपको जो है बैंकों के दरवाजे पर ताला लटकता हुआ मिल सकता है। ऐसे में आपको इस फेस्टिव मंथ में जितना जल्दी हो सके बैंक से जुड़े काम करा लेने चाहिए। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर महीने के किस तारीख को किस से बैंक जो है बंद रहेंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 11 मार्च शिवरात्रि होने के कारण देश के 20 राज्यों में बैंक बंद रहेंगी। 15 मार्च कुछ बैंक जो है यूनियनों के ने जो है हड़ताल करने की घोषणा की है, और 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल के पहले 13 मार्च को दूसरा शनिवार है और 14 मार्च को रविवार है। यानी कुछ राज्यों में बैंक में लगातार जो है 4 दिन तक कामकाज बंद रह सकता है। 22 मार्च बिहार दिवस के मौके पर जो है राज्य में लगातार 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 29 और 30 मार्च इन दोनों दिनों में जो है होली का त्यौहार है। इसके पहले 27 मार्च को दूसरा शनिवार है और 28 मार्च को रविवार है। देश के कुछ राज्यों में जो है लगातार 4 दिन तक जो है बैंक बंद रहेंगे। तो आपका जितना भी सारा काम है बैंक से रिलेटेड, उन सारे काम को आप करा ले, क्योंकि बैंक जो है अगर बंद हो जाएगा तो आप फिर नहीं करा पाएंगे और आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो ये था जो है आज का बैंक से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो फ्रेंड, थैंक यू।